ज्योति किचन में आज मैं लाई हूँ आपके लिए सूजी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीला। इस पे मैंने बहुत सारे वेजेस यूज़ किए हैं। ये आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो या नॉर्मल नाश्ता के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए मैंने टमाटर, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को यूज़ किया। इसमें मैंने 200 ग्राम सूजी ली है। सूजी को पहले हम किसी बर्तन में डाल लेंगे। जितनी मात्रा में मैंने सूजी ली है उसका दुगना हम पानी डालेंगे। सूजी पानी को सोख भी करती है और वो बाद में फैलता है, इसलिए हम पानी में डालकर उसे थोड़ी देर अच्छे से उसे मिक्स करके इसे हमें कुछ देर के लिए छोड़ना भी पड़ता है। ये देखिए, इस सूजी और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सूजी फूल चुका है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च कट करके डाल दी है। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च यूज़ की है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। जब सूजी में सब्जियां अच्छे से मिल जाएगी तब इसमें नमक, इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच नमक यूज़ किया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं थोड़ी सी चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी यूज़ की है। आपको अगर लाल मिर्च अच्छा लगे तो डाल सकते हो, वरना नहीं भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सारे वेजेस हैं। बच्चे तो जल्दी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप इस तरह से बनाकर दोगे तो वो ज़रूर खाएंगे। अब सारे मसाले और सब्जी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक तवे को चढ़ाया है। तवा जब गर्म हो जाए तो उसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम सूजी को डालेंगे। इसे डालकर हाथों की सहायता से या चम्मच से हम थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। जब हमारा एक साइड पक जाएगा तब हम इसे दूसरी साइड भी उल्टा करके पकाएंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक गया है। अभी दोनों को अच्छे से हम दोनों साइड सेक कर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसे आप घर पे बनाओ और कमेंट करो कि आपका ये चीला कैसा बना है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।